अखबारों के टुकड़ों पर खाने के सामान को सामग्री को देने की सिलसिला इन दिनों जमकर चल रहा है। इससे होने वाले हानि को न व्यापारी जान रहे हैं न ग्राहक, बस अखबार के टुकड़ों पर जहर परोसा जा रहा है। इस बात को गंभीरता से लेते हुए देवभोग प्रेस क्लब ने एसडीएम अर्पिता पाठक को एक ज्ञापन सौंप कर इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग किया है। वहीं प्रेस क्लब के सदस्यों की मांग पर एसडीएम ने होटल, फास्ट फूड दुकानों में तैलीय खाद्य पदार्थ में अखबार के उपयोग पर जन जागरण अभियान चलाने की बात कही है। बता दें कि अखबार में छपाई के उपयोग में किए जाने वाले इंक में डाई आइसोब्यूटाइल फटालेट और डाई एन आइसोब्यूटाइल जैसे खतरनाक केमिकल होता है जो उपभोक्ता को कैंसर तक ले जाता है। खाद्य सामग्रियों में अखबार के उपयोग को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भी गलत ठहराया है। वहीं खाद्य सामग्री बेचने वाले व्यवसायी कर्मी ना मिलने का हवाला दे रहे हैं। अब देखना होगा इस मामले में लोगों में कितनी जागरूकता आती है और प्रशासन अखबार के उपयोग पर कितना अंकुश लगा सकेगा। पर मैं क्यों नाश्ता देते हूँ? नौकरी नहीं मिल रहा है काम करने वाला, क्या करोगे? अच्छा। दोनों पत्तल दोनों का यूज करते हैं चना के लिए और पेपर में नाश्ता देते हैं, तो क्या करोगे? काम करने वाले जब चावल फोकट देना चालू कर, नौकरी नहीं मिल रहा है, किसी के देना पड़ता है। बर्तन धोने वाले नहीं इसलिए देते हो? तो आपको मालूम है उससे नुकसान होता है, तो जानकारी है? जी जानकारी है आपको? नहीं, पेपर से नुकसान होता है ये जानकारी है क्या? जी जानकारी है। देखिए, बाजार में जितने भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं जैसे खाद्य सामग्री बेचने वाले, चाय, समोसा, जलेबी, भजिया, बड़ा, जो भी हो, दैनिक उपयोग में आज के डेट में काफ़ी लोग नाश्ता करने आते हैं और उन्हें पहले जैसे प्लेट सिस्टम में दिया जाता था सारा बंद कर दिया गया है, अब जो है रद्दी अखबार में दिया जाता है। लेकिन WHO ने बताया कि जो रद्दी अखबार में जो इंक का इस्तेमाल होता है वो इंक जो है शरीर के लिए बहुत घातक है, वो कैंसर का कारक है, इस बात का प्रमाण भी कर दिया गया है। कई जगह पे इस पर प्रतिबंध भी लागू हो गया है। तो आज हम प्रेस क्लब की तरफ से इस बात का पालन किए और आज माननीय SDM महोदया के पास पहुँचे थे ज्ञापन देने और उनसे मांग किया है कि इस पर प्रतिबंध लगाया जाए। अखबार जो कतरन है उसमें बेचने के बजाय वहाँ पर प्लास्टिक कोटेड जो दोना पत्तल है उसका इस्तेमाल किया जाए और खासकर ये जो स्कूल के बच्चे हैं वो दूर दराज से जो आते हैं उनको देखा गया है, स्कूलों के आसपास जितने भी होटलें हैं वहाँ भी इस तरह से किया जाए तो बच्चों पे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए हमने मांग किया है कि स्कूलों में इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए, पंचायतों को जोड़ा जाए, राजस्व विभाग को जोड़ा जाए, इवन संयुक्त टीम बनाकर इस पे पहले जागरूकता अभियान चलाया जाए, अगर नहीं मानते हैं तो उन पे दंडात्मक कार्रवाई करने की हम लोग मांग किए हैं और पूरी तरह से प्रतिबंध होना चाहिए रद्दी पे नाश्ता देना, पूरा प्रतिबंध लगाने की मांग किया है हमने। गरियाबंद से जयविलास शर्मा की रिपोर्ट, बस देखते रहिए CG Vision TV।